poetry should always be for the masses, never for the classes. आप सभी का इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत एंड अ वेरी वार्म वेलकम यहाँ पर मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसका उन्वान है, जिसका नाम है तहरीर। तहरीर का मतलब क्या होता है? बहुत साफ सपाट शब्दों में द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड तहरीर। तहरीर उसका उर्दू अल्फाज है। मैंने इस सीरीज़ का नाम तहरीर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पोइट्री, न सिर्फ गज़लें, नज़में, जो कि अमूमन मैं डिस्कस करती हूँ या बयां करती हूँ, कहती हूँ, रीड करती हूँ, उससे हटकर कुछ करने की कोशिश है। ये कोशिश इसलिए भी है ताकि हम सब जो बहुत खुशामद से पढ़ते हैं, बहुत लगन से पढ़ते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारी जनरेशन और हाल ही में रीडिंग का ये पूरा रेवोल्यूशन बहुत ही अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि लिखाई से हमें न सिर्फ जिंदगियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, मगर हम असल में किसी और के दिमाग में जाकर वो क्या सोच रहा है, वो दुनिया को कैसे पढ़ता है, ये भी जान सकते हैं। और शायद इसीलिए हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो तहरीर का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं क्या इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा छोटा रखूं, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें भी करूं जो कि मैं इस सीरीज़ में करना चाहती हूं असल में। तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा आइडिया क्या होगा इस सीरीज़ को शुरू करने का, इसकी इब्तिदा करने का, वो होगा एक ऐसे शख्स को पढ़ना, एक ऐसे शख्स की तहरीर को पढ़ना जो हमें बहुत तरीके से अफेक्ट कर चुका है, हाल ही में तो बहुत अफेक्ट कर चुका है। जिस इंसान ने, जिस शायर ने हमें एहतजाज का असल मतलब सिखाया है, व्हाट डज इट मीन टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन एंड व्हाई इज रेवोल्यूशन नेसेसरी, आंदोलन, एहतजाज क्यों ज़रूरी है? नो गैसेज, फैज़ अहमद फैज़ को हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ निकालते भी हैं उनकी शायरी से, अपनी ज़िंदगी में ढालते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ पर गौर करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी कैसी थी। ये सीरीज़ मैंने सिर्फ इसलिए शुरू की है ताकि हम कॉन्टेक्स्ट को पोइट्री के साथ, लिखाई के साथ, पढ़ने के साथ जोड़ सकें। कॉन्टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है? कॉन्टेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर ये पता होगा कि एक इंसान की लिखते वक्त क्या हालत थी, उसके क्या एहसासात थे, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, आसपास का नज़रिया कैसा था, दुनिया कैसी थी, हुकूक कितने थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी इंसान को पढ़ने में। उसकी लिखाई कह लीजिए, उसका डिमीनर कह लीजिए, उसकी ज़िंदगी कह लीजिए। फैज़ अहमद फैज़ न सिर्फ एक शायर थे बल्कि एक मार्क्सिस्ट भी थे। वो हर नागरिक को, हर शख्स को मुल्क में बराबरी दिलाने के लिए शायरी करते थे, और उनकी शायरी में ये बहुत अच्छे तरीके से झलकता भी है। तो आज मैं उनकी एक ऐसी नज़्म लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम लोगों ने पढ़ी हुई है, बहुत कम लोगों ने सुनी हुई है, और वो नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत नहीं है। वो नज़्म है शीशों का मसीहा कोई नहीं। ये नज़्म जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी, इसका एक बहुत छोटा सा जिक्र आया था एक किताब में जो कि एक कश्मीर पे लिखी गई थी, और जब मैंने इसका उन्वान पढ़ा, शीशों का मसीहा कोई नहीं, आई वॉज जोल्टेड। शीशा एक ऐसी चीज़ जो हम सबके घरों में मौजूद है, जिसकी हस्ती पर हम शायद उतना गौर नहीं करते। शीशों की किस्मत होती है टूट जाना। शीशों का मसीहा कोई नहीं उसकी किस्मत का बयां है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यहाँ पर कौन सी है कि शीशा कौन है? यहाँ पर फैज़ आईने की बात नहीं कर रहे, शीशे के टूट जाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर फैज़ एक आम इंसान की बात कर रहे हैं, मुल्क के उस फ़र्द की जो मुल्क को बनाता है,
बुनियादी तौर पर जो मुल्क है. आई एम द कंट्री, यू आर द कंट्री. उस मुल्क और उस आम इंसान का जिक्र किया गया है इस नज़्म में. तो शीशा वो इंसान है, शीशों का मसीहा कोई नहीं. एक आम इंसान का जो मानता है कि हुकूमतें उसकी मसीहा होती हैं, उसकी ज़िंदगी में वो उसे रोटी देती हैं, कपड़ा देती हैं, मकान देती हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा गोरखधंधा है. और उसी सियासत की बात यहाँ पर की गई है फैज़ की और बहुत सारी नज़मों की. जैसे शीशों का मसीहा कोई नहीं. अब जब आप ये नज़्म सुनेंगे तो वो आम इंसान उसकी हस्ती जो है अपने जहन में ज़रूर रखें, और जब जब शीशे का ज़िक्र आए उसकी कहानी बने उस आम इंसान के बारे में, अपने बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में ज़रूर सोचिएगा. मोती हो कि शीशा जाम की दूर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया. तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो. शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागर दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की परी, फिर दुनिया वालों ने उनसे ये सागर लेकर फोड़ दिया. जो मैं थी बहादी मिट्टी में महमा का शह पर तोड़ दिया. ये रंगी रेजे हैं शायद उन शोख बिलोरी सपनों के, हम मस्त जवानी में जिनसे खलवट को सजाया करते थे. नादारी, दफ्तर, भूख और गम अक्सर इनसे टकराते रहे, बेरहम था चौमुख पथराव, ये कांच के ढांचे क्या करते. या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे इड्स पे भी शमशाद कदों ने रश किया. इस माल की धुन में फिरते थे ताजिर भी बहुत रहजन भी कहीं, है चोर नगरिया मुफलिस की गर जान बची तो आन गई. ये सागर शीशे लालो गुहार सालिम हो तो कीमत पाते हैं, यो टुकड़े टुकड़े हो तो फकत रुलते हैं लहू रुलवाते हैं. तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो. यादों की गिरेबानों के रफू पर दिल की गुजर कब होती है, एक बखिया उधेड़ा एक सिया यो उम्र बसर कब होती है. इस करगाए हस्ती में जहां ये सागर शीशे ढलते हैं, हर शय का बादल मिल सकता है, सब दामन पुर हो सकते हैं. जो हाथ बढ़े यावर हैं यहाँ, जो आँख उठे वो बख्तावर, या धन दौलत का अंत नहीं हो हाथ में डाकू लाख मगर, कब लुट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं. कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं. कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठे गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं. इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के सीने पे हर चलती राह के माथे पर. ये कालक भरते फिरते हैं वो जो जलाते जाते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं वो आग बुझाते जाते हैं. सब सागर शीशे लालो गुहार इस बाजी में बढ़ जाते हैं, उठो सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं, इस रन से बुलावे आते हैं, इस रन से बुलावे आते हैं.
ये है फैज़ जो हमेशा आपकी हमारी ताकतवर हस्ती की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, शीशे हम, हमारा कोई मसीहा नहीं होता, ना सियासत हमारा मसीहा होती है, ना सरकारें हमारा मसीहा होती हैं, ना नेता हमारा मसीहा होते हैं। हमारे मसीहा कौन हैं? हम खुद। तो आम इंसान जब कहता है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, वो गलत कहता है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो उसी के पास है। तो शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो? हम जो हुकूमतों से आस लगाते फिरते हैं, हमारा कोई मसीहा नहीं है जब तक हम खुद के मसीहा बनने की कोशिश ना करें। इस नज़्म में एक जगह ऐसी आती है जहाँ सपनों की बात की गई है, ख्वाबों की बात की गई है। वो ख्वाब जो है, वो हुनर जो है, वो हर इंसान में होता है। वो हर इंसान में कैसे होता है? कला। खुदा ने, परवरदिगार ने, परमेश्वर ने हम सब में कुछ ना कुछ हुनर बख्शा होता है। फैज़ कहते हैं कि हमें उस ताकत, उस हुनर की तलाश में निकलना चाहिए, और जो हम निकल जाएं तो हमें पता लगेगा कि हमसे ताकतवर कोई भी नहीं है। तो वो एक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो कहते हैं, नादारी, दफ्तर, भूख और गम अक्सर हमारे सपनों से टकराते हैं, क्योंकि हमारे सपने बेलौस होते हैं। उनमें पैसा, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। इन सारी चीज़ों का कभी शुमार होता ही नहीं है, क्योंकि सपने जो होते हैं, ख्वाब जो होते हैं, वो बेशकीमती होते हैं, कीमत में तोले नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जब ख्वाब बेशकीमती होते हैं, तो उन ख्वाबों की तामीर करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वो रिसोर्सेज जमा करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, कभी नादारी में, कभी दफ्तर के चक्कर लगाते हुए, कभी गम में, कभी भूख को पूरा करते हुए। नादारी, दफ्तर, भूख और गम अक्सर हमारे सपनों से टकराते हैं। बेरहम था चौमुख पथराव, ये कांच के ढांचे क्या करते? हमारे ख्वाब जो होते हैं ना, हमारी आँखों में बसे होते हैं, और हमारी आँखें जो होती हैं ना, वो शीशे होती हैं, क्योंकि हमारी आँखों से हमें एक इंसान की असलियत दिखती है, वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है। और पथराव कहाँ से होता है उन ख्वाबों पर? माशरे से, समाज से, लोगों से, जो हमें मुसलसल कहते रहते हैं तुम्हारे ख्वाब जो हैं उनकी कीमत इतनी नहीं है कि वो पूरे हो सकें। और हम लोगों की सुन लेते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं। तो बेरहम था चौमुख पथराव, ये कांच के ढांचे क्या करते? और फिर एक ऐसा पड़ाव आता है इस नज़्म में जो क्या कहता है, इस पथराव के बावजूद हम सब में एक मोती होता है, हम सब में एक ऐसी चीज़ होती है जो बेशकीमती होती है, और वो इस पथराव के बावजूद टूटती नहीं है। शीशे का काम होता है टूट जाना, ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हुनर है, जो कला है, उसको कैसे तोड़ देंगे? वो तो मरते दम तक हमारे अंदर रहती है, जिंदा रहती है, लड़ती रहती है दिलो दिमाग के बीच, उसे कैसे तोड़ेंगे? तो वो कहते हैं कि कब लुट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं। माशरा हमें लूटता है, हमें चीलों की तरह चुनता है, पर कब लुट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं? जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो तो कभी भी कम नहीं हो सकती है लुट झपट से, क्योंकि आप अंदर की चीज़ को कैसे लूटेंगे? तो कब लुट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं। हीरा कहाँ से निकलता है? पर्वत से निकलता है। मोती कहाँ से निकलता है? गोताखोर जाता है तो सागर में से लेकर आता है। तो हम इंसान जो हैं, एक आम शख्स जो है, उसके अंदर कुदरत बसी हुई है, उसके अंदर ही पर्वत है, उसके अंदर ही सागर है, उसके अंदर ही मोती है, उसके अंदर ही हीरा है। बात सिर्फ इतनी है कि हम उसका कब एहसास लेते हैं, हम कब रियलाइज़ करते हैं कि हम क्या हैं। और अंत में
अंजाम में फैज़ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो लूटते हैं और जो बचाते हैं, जो लूटते हैं वो आग लगाते फिरते हैं, जो बचाते हैं वो आग बुझाते जाते हैं। ये हमने हाल ही में कहाँ देखा है? हमारे आसपास, हम जिस एहतजाज का हिस्सा रहे हैं। हुकूमतों ने आग लगाई, हमने क्या किया? हमने उन्हें गुलाब दिया, हमने आग बुझाई, हमने कभी आग लगाई नहीं। तो वो आग लगाते रहते हैं, हम आग बुझाते जाते हैं। आम शख्स जो है उसका काम कभी आग लगाना नहीं हुआ, उसका काम हमेशा आग बुझाना हुआ। क्योंकि एक आम शख्स जो होता है वो अमन चाहता है, वो शांति चाहता है, वो कभी भी तकरार नहीं चाहता है। क्योंकि तकरार होगी तो ज़िंदगी भी उथल पुथल होगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। वो हमें नहीं चाहिए। हमारी ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, उससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत ही नहीं है ना। मगर एक और ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, जो कि है अमन, शांति। तो वो क्या कहते हैं? ये कालक भरते फिरते हैं, वो जोत जलाते रहते हैं, वो आग लगाते फिरते हैं, हम आग बुझाते रहते हैं। इन दोनों में रन पड़ता है। ये जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं इनमें तकरार भी होती है, इन दोनों में रन पड़ता है। नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के सीने पर, हर चलती राह के माथे पर। हमारे सीने में हमारा दिल होता है, हमारे माथे पर हमारी तकदीर होती है, और इन दो चीज़ों में जंग चलती रहती है हमेशा। तो इन दोनों में हमेशा जंग चलेगी, लेकिन जीत किसकी होगी? जो सच कहेगा, खुद से, दूसरे इंसान से। और अंत कैसे करते हैं? सब सागर शीशे लालो गुहार, इस बाजी में बढ़ जाते हैं। इस बाजी में हम सब शामिल हैं, हम सब शुमार हैं। हम किसी चीज़ की बाजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं ना। वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू पॉन और लूज। उठो सब खाली हाथों को। हम जब एहतजाज करते हैं हमारे हाथ खाली होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी है ना। तो उठो सब खाली हाथों को, इस रन से बुलावे आते हैं, इस रन से बुलावे आते हैं, इस रन से बुलावे आते हैं। ज़िंदगी जो है वो एक रण है, एक रणभूमि है, वो एक दश्त भी है, जहाँ पर हम सब सहरा की तलाश में हैं। सहरा क्या है? अमन, शांति, पीस। वो कैसे आएगा? जब हम गलत के खिलाफ एहतजाज में बैठेंगे और अपने खाली हाथ उठाएंगे और रन की तरफ जाएंगे। ये हैं फैज़ अहमद फैज़, जो आपको, हमें हर दिन हर रात एक नई ताकत से बख्शते हैं। और ये होती है एक शायर की असल ताकत। वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो हमें हर दफ़ा एक नई ज़िंदगी देकर जाता है। और यही मैं तहरीर से करना चाह रही हूँ। कुछ ज़िंदगी मुझे मिले, थोड़ी आपको मिले, थोड़ी रख लेंगे ना साइड पर, बाद में काम आ सकती है। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड, पहला एपिसोड, आप सबको पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मेरा नाम है वृंदा हयात वैद, और मैं बाकी सारी जगहों पर भी कुछ एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, फिर मुलाकात होती है। बहुत प्यार।